नमस्कार। आज अपन बात करेंगे अपने गुस्से और निराशा को रीरूट कैसे करें। ये रीरूट का क्या फॉर्मूला है, कैसे आप गुस्से और निराशा को रीरूट करके सफलता पा सकते हो, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊं। आप रीरूट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, बढ़िया सीख आप गूगल मैप से ले सकते हैं। आप कई रास्ते में जाते हैं और गूगल मैप के द्वारा बताए हुए रास्ते पर आप जा रहे हो और आप 10 किलोमीटर आगे निकल जाते हैं और आप रास्ता भूल जाते हो। गूगल मैप आपको सही रास्ता बता रहा है लेकिन आप रास्ता चूक जाते हो, तो आप क्या करते हैं, गूगल मैप के ऊपर चिल्लाते हैं? नहीं। आप अपने ऊपर चिल्लाते हैं या निराश होते हैं? नहीं। आप वापिस गूगल मैप पर नया रास्ता ढूंढते हैं। गूगल मैप आपको रीरूट करके नया रास्ता बताता है। वो नया रास्ता बताता है, आपको सर्वश्रेष्ठ मंजिल पर पहुंचाने की कोशिश करता है और वो आपको धीरे से कहता है कि आप अगर इस रास्ते से जाओगे तो ज्यादा लेट हो जाओगे। वो आपको बताता है, नया रीरूट करके रास्ता बताता है और आप वापिस नए रास्ते पर चलते हो और अपनी मंजिल पर पहुंचते हो। आप गूगल मैप पर चिल्लाते हो? नहीं। या गूगल मैप आपके ऊपर चिल्लाता है? नहीं। अगर गूगल मैप अगर आपके ऊपर चिल्लाता तो शायद आप गूगल मैप को बंद कर देते, इस्तेमाल ही नहीं करते और आज इतना फेमस गूगल मैप नहीं होता। तो यह तरीका होता है, जिंदगी में कभी गुस्सा और निराशा आए अपने काम पर तो निराश ना हो, हताश ना हो, उदास ना हो, अपनी जिंदगी को रीरूट करें, नए रास्ते खोजें सफलता पाने के लिए, नई नई तरीके खोजें आगे बढ़ने के लिए और देखें कि मैं जिस रास्ते पर चला मेरे को असफलता कैसे मिली, अब मैं उस रास्ते को रीरूट कैसे करूं उस सफलता को पहुंचने के लिए, और आप आगे बढ़े, रीरूट करके आगे बढ़े, नई उम्मीदें निकाले, नए रास्ते निकाले आगे बढ़ने के लिए और आप आगे बढ़े। और यही काम अगर आप ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है तो आप ड्राइवर के ऊपर चिल्लाते हैं, ड्राइवर 10 किलोमीटर आगे गए तेरे को पता नहीं पड़ता है, तो रास्ता गलत ढूंढ लिया, ये कर लिया। और जब कोई अपना करीबी गाड़ी चला रहा तो और अपन ज़्यादा गुस्सा निकालते हैं। इसीलिए कोई हताश या निराश हो तो उसे अपनी गलती का एहसास मत कराइए, उसे रीरूट करने की कोशिश करिए, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए, उसे ऐसे रास्ते खोजिए उसके लिए कि वो रीरूट हो और जिंदगी में आगे बढ़े और सफलता पाए। उसने पहले से गलती कर ली, पहले से वो हताश है, निराशा में है और गुस्से में है, आप उसे और उसको गलती का एहसास कराएंगे ना तो वो और निराश और उदास होगा। ऐसा ना करें। किसी ने गलती की है तो उसके गलती का एहसास न कराए, उसे रीरूट कराएं, उसे नए रास्ते बताएं, उसे नए तरीके बताएं कि आप इन तरीकों से भी आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हो, आप इन रास्तों से भी अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य जीवन में पा सकते हो। ये करें, अपने जीवन को रीरूट करें और अपने गुस्से और निराशा को बाहर निकालें। एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वंदना कटारिया, भारत की पहली महिला हॉकी चैंपियन जिसने ओलंपिक में हैट्रिक लगाई। वो महिला जब दूसरे दिन मैच था, उससे पहले दिन उसके फादर की डेथ हो जाती है, वंदना कटारिया। वो चाहती थी तो अपने गांव जा सकती थी, अपने फादर को शांत, अपने फादर के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती थी, लेकिन वो नहीं गई। लोगों ने, समाज ने, रिश्तेदारों ने उसके ऊपर खूब आरोप लगाए और खूब आलोचना की उसकी कि वो अपने परिवार, अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में तो आ सकती थी, वो नहीं आई। उसने क्या किया पता है? अपने गुस्से, अपने निराशा को उस खेल में उतारा। और क्या किया उसने पता है आपको? पहली महिला बनी ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली, देखिए। और ये हैट्रिक लगाकर उसने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी, अपने गुस्से और निराशा को उस खेल में उतारा और वहां पे उस गुस्से और निराशा को निकाला और हैट्रिक लगाई। तो ये देखिए, हजारों तरीके होते हैं अपने आप को रीरूट करने के लिए,
अपने आप को वापस नई उमंग और उम्मीद देने के लिए हजारों तरीके होते हैं रीरूट करने के लिए। तो अपने आप को गुस्से और निराशा में जब भी कभी पाओ तो रीरूट करो अपनी जिंदगी को और आगे बढ़े। आप गुस्से और निराशा में न डूबे रहें, हमेशा जिंदगी में नए नए तरीके तलाशते रहें, नए नए। हर किसको असफलता नहीं मिलती है जिंदगी में। ऐसा कोई सक्सेसफुल पर्सन है आपकी नजर में जिसको एक भी बार जिंदगी में असफलता नहीं मिली हो? इम्पॉसिबल, असंभव। यहां तक भी भगवान राम कृष्ण, उनको भी जीवन में बहुत सारी असफलता मिली जब वो इस धरती पर आए, लेकिन उन्होंने क्या किया? प्रयास किया, अपनी जिंदगी को रीरूट किया, नए नए तरीके निकाले कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं, कैसे हम सफल हो सकते हैं। इसीलिए असफलता तो जिंदगी में हजारों आएगी। एक रास्ते पर असफलता आए तो रास्ते को रीरूट करें और दूसरे रास्ते को पकड़ें, अपने मंजिल को पहुंचे। इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।